नाज़रीन खबर शामिल करते हैं कोटो दूसरे जज्बा लाइव के नुमाइंदे फयाज बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वजा हल्का बंदियां NA 176 ज़ीशान कुरमानी की दबंग एंट्री। तफसीलात के मुताबिक मियां ज़ीशान अहमद कुरमानी की हल्का NA 176 में हल्के की आवाम के साथ मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि हल्के पर काबिज महरूमियों के जिम्मेदार सियासतदानों से अवामी ताकत के जरिए हिसाब लेंगे। हल्के को महरूमियों में धकेलने वालों को अब अवाम ऐवानों से बेदखल कर देगी। यूनियन कौंसिल बेट कायम वाला बंगला शाह जमाल मलिक अब्बास की तरफ से दिए गए पुरतकल्लुफ इशाया से खिताब किया और उनका कहना था कि हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया होने के बाद वो अपने सियासी पैनल का बकायदा ऐलान करेंगे। कई मजबूत सियासी ग्रुप से और अवाम से मुशावरत का सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह जल्द अवाम को खुशखबरी देंगे। आखिर में सरदार मन्नू खान गुरमानी ने आने वाले तमाम मुअज्जिज मेहमानान का शुक्रिया अदा किया और सरदार मन्नू खान गुरमानी की क्यादत में रैली साबिक MPA मियां ज़ीशान अहमद गुरमानी का भरपूर इस्तकबाल। तो इस मौके पर वुड बरादरी की सरकर्दा शख्सियत हाजी मलिक अब्बास वुड, मलिक अरशद वुड, मलिक सज्जाद, जुल्फिकार खान सराई, मलिक गुलाम फरीद, मलिक असलम वुड, मलिक सईद कादर वुड ने काफिला का शानदार इस्तकबाल किया। इशाया में सरदार अमजीद खान गुरमानी, अतीक खान गुरमानी, मलिक सनाउल्लाह सिनावा, हाजी रजा खान गुरमानी, चौधरी अंजुम रुबानी गुज्जर, मुरीद खान जगलानी, तलत खान तरीन, मलिक कोशी खोकर, इमरान अब्बास भट्टी समेत इलाकाई अमायदीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। नाज़रीन खबरों का सिलसिला भी जारी है। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जज्बा लाइव।